ગુજરાતભરમાં સ્કૂલોને લઈને વિવાદ શરૂ થયો છે ત્યારે જેતપુરમાં પણ વાલીઓ અને સ્કૂલો વચ્ચે વિવાદ શરૂ થયો હતો। गुजरातभर में स्कूलों ने लईने विवाद शुरू थयो छे त्यारे जेतपुर में पण वालीओ अने स्कूलों वच्चे विवाद शुरू थयो हतो। जेमां जेतपुर ने सेंट फ्रांसिस स्कूल नो विवाद सामे आव्यो हतो, जेमां स्कूल शुरू करवाथी लईने दबाणथी फी उघरावी अने पाठ्यपुस्तकों स्कूल मांथी ज फरजियात लेवा सुधीनो विवाद सामे आव्यो हतो। अने आ बाबते वालीओए आंदोलन अने उपवास सुधीनी धमकी आपी हती, जेने लईने आजे स्कूल संचालक मंडल अने वालीओनी एक मीटिंग कैबिनेट मिनिस्टर जयेशभाई रादड़ियानी अध्यक्षतामां जेतपुर मामलतदारनी जिल्ला शिक्षण अधिकारी हाजरीमां मीटिंग योजाई हती, जेमां जेतपुरनी सेंट फ्रांसिस स्कूल अने एस एन के स्कूल द्वारा जे पाठ्यपुस्तकों स्कूलमांथी आपवामां आवी रह्या छे जे बजार भाव करता बमणा भावे अपाता हता ते बंद करवा अने परत लेवा तेवी सूचना कैबिनेट मिनिस्टर जयेशभाई रादड़ियाए आपी हती। अने आ मुद्दे तमाम स्कूल सहमति करी हती कि ज्यारे सेंट फ्रांसिस स्कूल द्वारा शुरू करवामां आवेल क्लास रूमना अभ्यासमां सरकारनी सूचना मुजब स्कूल बंद राखवानो आदेश आपेल हतो अने साथे साथे सरकारना नवा आदेश सुधी शाळाओ बंद राखवा सूचना आपेल हती। शुरू थयेल विवाद बाबते स्कूलो द्वारा सहमति दर्शावी हती, जेमां ज्यां सुधी स्कूल चालू न थाय त्यां सुधी स्कूल द्वारा कोई फी नहीं लेवी ते बाबते स्कूलो सहमत थई हती। साथे साथे सेंट फ्रांसिस स्कूल द्वारा ऑनलाइन शिक्षण ने फी लेवी नहीं के ते बाबते कैबिनेट मिनिस्टर जयेशभाई रादड़िया द्वारा सूचना आपवामां आवी हती अने आ बाबते अन्य स्कूलों पण सहमत थई हती। साथे साथे सरकारना स्कूल शुरू करवा अने अन्य बाबते सरकारना तमाम आदेशोनुं पालन करवानी कड़क सूचना आपेल हती। साथे साथे वालीओ अने स्कूलना तमाम प्रश्नोनुं निराकरण करवामां आव्युं हतुं। सुरेश भाल्या, ZSTV, जेतपुर।